तो हेलो दोस्त, तो आज हम बनाएंगे गार्लिक नान नॉन स्टिक तवे पे, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पे जो है हमने 2 कटोरी मैदा ले लिया है। तो अब जो है इसमें हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे। तो चीनी डालने से जो है ना ये मीठा नहीं होगा। और 1/2 चम्मच यहाँ नमक डालेंगे और इसे आपस में मिक्स कर लेंगे। और इस तरीके से जो है हम बीच में जगह बनाएंगे। तो अब यहाँ पे 1/2 कटोरी दही डालेंगे। और अब इसमें जो है हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। एक पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे। और इन सबको जो है दही के साथ हम मिक्स करके 2 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। तो देखिए, हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो 2 मिनट के बाद देखिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है दही के साथ अच्छे से रिएक्ट कर गया है। तो अब जो है इन सभी को अब हम मिक्स करेंगे मैदा में। तो देखिए दही को जो है हमने मैदा में मिक्स कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे और इन्हें अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। और इन सभी को जो है मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार कर लेंगे। तो डो जो है जैसे हम रोटी पराठा के लिए लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही डो हमें तैयार करना है। ज़्यादा हमें पतला डो नहीं तैयार करना है, नहीं तो जब हम बनाएंगे ना नान तो वो हमारा नहीं बनेगा। तो देखिए इस तरीके से हमें डो को लगाना है। तो यहाँ पे जो है हमने डो लगा लिया है। तो अब जो है यहाँ पर हम इसमें 1 चम्मच जो है तेल डालेंगे और इसे अच्छे से अब हम मिक्स कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे मिक्स करना है, इसे ज़्यादा अभी नहीं मसलना है। तो हमने तेल को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब इसे आप ढक कर के, गीले कपड़े से इसे ढक कर के 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दें। तो देखिए 1 से 1.5 घंटा हो गया है और हमारा डो जो है वो अच्छे से फूल गया है। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब इसे जो है एक बार अच्छे से हम मसल करके जो है डो हम तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमें मसल मसल करके डो को अब तैयार करना है। और थोड़ा सा यहाँ से हम डो लेंगे और लुई तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम हाथों पे लेंगे और लुई को जो है हम तैयार कर लेंगे। और इसे अब जो है हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है। अब इसमें हम अच्छे से लगाएंगे और इसे जो है हम बेल लेंगे। तो इसे यहाँ जो मैं लंबा बेल रही हूँ, तो आप चाहे तो इसे गोल भी बेल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है हमने इसे बेल लिया है। और अब जो है यहाँ पर इस पे हम गार्लिक बारीक कटा हुआ डालेंगे। तो अब नान है तो इस पे गार्लिक तो डालना बनता है। और यहाँ पे अब हम कलौंजी डालेंगे, जिसे मंगरेल भी कहते हैं। तो इस तरीके से अब इस पे हम फैलाएंगे और एक बार जो है हम इस पे बेलन चला देंगे, जिससे कलौंजी और गार्लिक जो है अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए हमने इस तरीके से जो है बेलन चला दिया है और गार्लिक जो है अच्छे से चिपक गया है। तो अब इसे हम
पलट देते हैं और इस पर जो है अब हम पानी लगाएंगे। पानी जो है हमें अच्छे से इस पे लगाना है, नहीं ज़्यादा और ना ही कम लगाना है, जिससे कि ये अच्छे से तवा पे जब हम इसे रखेंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा तवा में। तो देखिए इसे जब हम इसे उठाते हैं ना, तो इस तरीके से ये उठेगा। तो यहाँ जो हमने नॉन स्टिक पैन गर्म होने के लिए रख दिया था लो टू मीडियम फ्लेम पे, तो अब यहाँ पे जो हमने नान बनाया था वो इस पे डालेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। तो देखिए इसमें कितना अच्छा बबल आ गया है। तो अब हमारा जो नान है वो अच्छे से पक गया है। तो अब इसे हम इस तरीके से सेक लेंगे। तो देखिए एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब दूसरे साइड से हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम सेकेंगे। तो इसे यहाँ पे जो है हम फ्लेम हाई नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा नान जो है वो जल जाएगा। तो देखिए ये हो गया है। तो अब यहाँ पर हम दूसरा वाला यहाँ रख देते हैं और यहाँ हम गरम नान पे जो है बटर लगा देते हैं। अब नान है तो नान जो है वो बटर के बिना तो अधूरा है। तो यहाँ पे हम ढेर सारा बटर यहाँ पर लगा देंगे नान के ऊपर। तो देखिए इस तरीके से हमने ढेर सारा बटर यहाँ पर हमने लगा दिया है। तो चलिए यहाँ पे हमारा दूसरा वाला जो है वो भी बन गया है। तो देखिए ये मैं ऐसे ही नॉन स्टिक तवा से पे ही सेक करके दिखाती हूँ, ये बिल्कुल नहीं गिरता है। तो यहाँ पे जो हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे चारों तरफ घुमा घुमा करके हमें सेकना है, एक ही जगह नहीं सेकना है, नहीं तो इस पे जो हमने गार्लिक लगा रखा है वो हमारा जल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें घुमा घुमा करके सेकना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे सेक लिया है और ये अब तैयार हो गया है। तो इसे एक साइड से जो कच्चा रह गया वहाँ पे एक बार और हम इसे सेक लेते हैं। तो देखिए अब ये पूरी तरीके से सिक गया है और ये कितनी आसानी तरह से जो है ये निकल जाता है तवा पे से। तो देखिए एक साइड से सुनहरा हो गया और अच्छे से ये पक गया है। तो अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। और अब इस पे जो है हम बटर लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप घी भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने बटर लगा दिया है। तो ये नान जो है बहुत ही सॉफ्ट बना है और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो यहाँ मैं कढ़ाई पनीर बनाई थी तो मैं इसके साथ सर्व करती हूँ। तो देखिए एक तोड़ करके दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट ये बना है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर आप सब ट्राई करें। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि जो रेसिपी कैसी बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।